टिकरी कूच के लिए भारी संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर भले ही पहुंच चुके हैं, मगर अभी तक पंजाब और हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच थमा नहीं है। लगातार किसानों के जत्थे खाने पीने का सामान लेकर अपने साथियों की मदद के लिए निकल रहे हैं। गोहाना में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां किसान दिल्ली कूच करते वक्त अपने साथ फल सब्जियां लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, हमें अपने जो ये काले कानून बना रही है खट्टर सरकार और मोदी सरकार, हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे कई गाँव से सैकड़ों ट्रैक्टर और आदमी का जत्था चल रहा है और हम अपने किसान भाइयों के लिए यहाँ कुछ थोड़ा फल लेके चले हैं ताकि वहाँ जाके अपने भाइयों का सहयोग कर सकें। और भी सामान लेके जा रहे हो? खाना खाने पीने, खाने पीने का सभी सामान है, आटा है, चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, घी है, सभी हम मंडी से लिया है, कुछ घर से लिया है, आटा वगैरह, जैसे हम पूरे प्रबंध के साथ चल रहे हैं। तो क्या कहना, जिस तरह से लगातार 5-4 दिन हो गए आज, लगातार चाहे 20 दिन हो जाओ, चाहे महीने हो जाओ, 2 महीने हो जाओ, 6 महीने हो, इतने ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी किसान भाइयों की, तब तक वहीं धरना प्रदर्शन होगा किसानों का। पंजाब के जो किसान साथ समर्थन है, हाँ उनके साथ समर्थन है, हम ऐसे ही तय दिल से उनका सहयोग करेंगे, तन-मन से सभी प्रकार से। ठीक, अपने किसान भाइयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था का पूरा प्रबंध ले गए, हमारे ट्रैक्टर ट्रेलिया ले चल रहे हैं, और भी बहुत से किसान आने लग रहे हैं, हम उनकी सेवा के लिए तन मन धन से सेवा करेंगे। फल फ्रूट साग सब्जी आटा दाल चावल दूध दही सब कुछ लेगा, साथ में चल रहे ट्रैक्टरों में, और हम उनकी सेवा करेंगे। जब तक संघर्ष जारी रहेगा तब तक हम उनकी सेवा करते रहेंगे और डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली। क्या नाम? सेवा के लिए। क्या नाम सर? काले कानून मिटवा कर रहेंगे। क्या नाम? खट्टर सरकार नहीं है, फट्टर सरकार है, फिटे मुँह सरकार है। नाम क्या है सर? हमारा नाम है रामपाल। किसानों का मानना है कि जो उनके साथी बॉर्डर पर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यही वजह है कि उनकी मदद के लिए किसानों के कई जत्थे एक के बाद एक दिल्ली कूच कर रहे हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।